नमस्कार, खबर की तहत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अंबिका भारती और आप समाचार रत्नागिरी से। पत्रकार शशिकांत वारसे हत्याकांड के आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। रत्नागिरी जिले के राजापुर के पत्रकार शशिकांत वारसे की हत्या नियोजनरत दुर्घटना का रूप देते हुए की गई, इसलिए इसका असर निषेध कर पत्रकारों ने के विभिन्न संगठनों की ओर से इस घटना का विरोध कर तहसीलदार विजय पवार को ज्ञापन द्वारा अवगत कर दोषी पे कड़क से कड़क कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंप कर निषेध किया गया एवं उस वक्त पत्रकारों की ओर से स्वर्गीय श्री शशिकांत वारसे जी को श्रद्धांजलि दी गई। डिजिटल मीडिया सतारा संगठन अध्यक्ष शरद कांडे, इंडिया प्रेस क्लब के केंद्रीय सचिव सदाशिव खटकबार माउली, भारतीय ग्रामीण पत्रकार विकास परिषद के संस्थापक अध्यक्ष विश्वास मोहित, शरीफ तंबोली, संतोष कदम, डिजिटल मीडिया करण तालुका अध्यक्ष संतोष पांडे, तालुका उपाध्यक्ष गणेश पवार, पत्रकार सुहास कामले, मुस्कान तंबोली, पत्रकार अनमोल महाडिक, अक्षय मास के सागर दंडवते एवं पत्रकार उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोलते हुए शरद गांडे ने कहा कि जिस गांव की बोरी उसी गांव की बबूल है, उसके साथ अन्याय करने की सोच रहे लोगों को यह याद रखना चाहिए कि हम कलम को किनारे रखकर डंडा हाथ में लेने को तैयार हैं। इस अवसर पर भारतीय ग्रामीण पत्रकार विकास परिषद के अध्यक्ष विश्वास मोहित ने कहा, पत्रकार भाइयों को अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि पत्रकारों को न केवल विरोध करना चाहिए बल्कि किसी भी तरह से जवाब देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जे आम्हाला ज्ञात आहेत किंवा नाही अशा पद्धतीची कलम त्या संबंधितांवरती दाखल करण्यात यावी। हा रत्नागिरीचाच विषय नाही तर कराड तालुक्यामध्ये सातारा जिल्ह्यामध्ये असे प्रकार घडलेले आहेत, त्याच्या वेळेला आम्ही निषेध केलेला आहे। कडेगाव तालुक्यामध्ये आमचे परममित्र पत्रकार सूरज जगताप यांच्यावरती विहार हल्ला करण्यात आला होता, कोर्टात केसेस दाखल करण्यात आलेल्या होत्या। त्या संदर्भातही आम्ही विविध पत्रकार संघटनांच्या वतीनं पाठपुरावा करून संबंधित दोषींवरती कारवाई करण्यास भाग पाडलेला आहे। त्याचबरोबर आमचे परममित्र आणि सुपरफास्ट कराड या वृत्तपत्राचे मालक संपादक संतोष वायदंडे यांच्यावरती काही दिवसापूर्वी बॅनर हल्ला करण्यात आला।